नया जो राष्ट्रपति भवन बना है, इसी गैंगसा का पत्र उस पूरे भवन में लिया गया है। यहाँ जो डील हुई थी, और ये पूरी गैंगसा में हम आपको अच्छे से टूर कराएंगे किस तरह से कटिंग होती है इस लाल बलुआ पत्र की। दोस्तों, इस तरह से बड़े बड़े पत्रों को चट्टानों से क्रेन के साथ यहाँ लाया जाता है। जैसे ये देखिए, आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों में यहाँ कटिंग की जाती है। बड़ी बड़ी विशाल मशीनों से यहाँ इनका कटिंग का काम हो रहा है। ये देखो पानी के साथ, ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर कलाकारी है यहाँ पे फूल पत्तियों की। ये देखिए और कितनी सुंदर फिनिशिंग देखिए आप, यही हमारे रेड स्टोन की पहचान, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ मार्बल को भी फेल करता है। ये हमारा धौलपुर जिले का रेड स्टोन पत्थर, इससे हमारी पहचान है। ये गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होता, ओके, और सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं होता, ओके ओके। ये इसका विशेष बेनिफिट है, ये जो अपना एटमॉस्फेयर होता है उसके अगेंस्ट में इसकी जो नेचर है वो अगेंस्ट में रहती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का वेलकम है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं राजस्थान धौलपुर जिले से ताल्लुक़ रखता हूं। जो हमारा धौलपुर शहर है वो रेड स्टोन सिटी कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहां का लाल बलुआ पत्र रेड स्टोन विश्व प्रसिद्ध है। और जैसा प्राचीन काल से ही, मुगल काल से यहाँ हमारे धौलपुर जिले का रेड स्टोन प्राची से प्राची महल हो चाहे इमारत हो, उसमें यूज़ किया गया, उसमें बनाने के लिए बहुत ही सुंदर कलाकार थी और नक्काशी का कार्य इस पे रेड स्टोन पे किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लगभग हम आ चुके हैं सरमुत्रा तहसील में, जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी गैंगसा है। यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में गैंगसाओं का कार्य होता है और कढ़ाइयों का कार्य होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसी तरह के जो खाने होती हैं पत्र की, वहाँ से ये पत्र रेड स्टोन लाल बलुआ पत्र निकाल के यहाँ बड़े बड़े ट्रकों में लाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यही है रेड स्टोन, इस तरह से ला के यहाँ गैंगसा वो होती है जहाँ पे पूरे लाल बलुआ पत्र की कटिंग होती है। ये दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यही ट्रकों में खानों से निकाल के गैंगसा में लाता है। और गैंगसा का पूरा हम टूर कराएंगे। ये शायद ही एक धौलपुर की इकलौती एक वीडियो होगी जो आपको रेड स्टोन की पूरी कवर करेगी, अच्छे से जानकारी देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही रेड स्टोन है जो खानों से निकाल कर इसकी कटिंग गैंगसा में होती है। जो हम लगभग धौलपुर जिले से 40 से 50 किलोमीटर दूर सरमुत्रा तहसील में एक बहुत ही फेमस गैंगसा में, इसलिए इस गैंगसा प्रसिद्ध है क्योंकि जो मौजूदा अभी जो नया जो राष्ट्रपति भवन बना है, इसी गैंगसा का पत्र उस पूरे भवन में लिया गया है। यहाँ जो डील हुई थी, और ये पूरी गैंगसा में हम आपको अच्छे से टूर कराएंगे किस तरह से कटिंग होती है इस लाल बलुआ पत्र की। चलो अमित साथ देगा। अमित कुछ बोलना चाहेगा लाल बलुआ पत्र के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ, जो ये पत्थर है, हाँ, जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें ये पत्थर गया है। हाँ, ये गैंगसा का नाम है सरमुत्रा स्टोन डॉट कॉम। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं, इसमें लगभग चार से पांच मशीनें लगी हैं यहाँ कटिंग की और कढ़ाई की कार्य किए जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से बड़े बड़े ट्रकों में और जेसीबी में लाद लाद के यहाँ पे ये रेड स्टोन को रख दिया है, लाल बलुआ पत्र को। ये पूरी गैंगसा है। और एक मशीन दोस्तों यहाँ है, देखिए छोटी मशीन यहाँ पे लगी है। देखो इस तरह से यहाँ पे कटिंग होती है। ये देखिए वहाँ पे अंदर भी ले चले, बहुत ही विशाल मशीन है दोस्तों। इस तरह की मशीन होती है और इस तरह की सफाई से पत्र देखो ये निकाला जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लाल बलुआ पत्र, ये थोड़ा वाइट बलुआ पत्र है, इसकी देखिए ये सफाई, देखिए इस तरह से सफाई होती है जो घर में मकान में सारे में बनाने के लिए लिया जाता है। ये देखिए, जो प्राचीन काल से बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, मुगल काल की इमारतें, वो भी हमारे धौलपुर जिले से पत्र जाता था। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ ये लाल बलुआ पत्र, जो हमारा पूरा शहर जिस तरह से बोलते हैं ना, रेड स्टोन रेड डायमंड बोलते, क्या बोलते हैं, रेड डायमंड, यही है हमारी पहचान। एक बहुत ही फेमस सरमुत्रा की हम गैंगसा में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत चारों तरफ मशीनों से लगे कार्य हो रहा है। और उस ओर चलते हैं जो सबसे बड़ी मशीन है, चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं किस तरह से कटिंग की जाती है पत्र की। और पूरे भारत में ही नहीं, विश्व की शहरों में भी यहाँ से पत्र जाता है, यहाँ से डील होके जाता है बड़े बड़े ट्रकों में और फिर गाड़ियों में। ये देखिए हम आ चुके हैं सरमुत्रा स्टोन में। ये बहुत ही बड़ी यहाँ गैंगसा है, जिसको गैंगसा भी होती है। यहाँ पे जो रेड स्टोन है यहाँ कटिंग की जाती है, इसलिए इसको गैंगसा बोला जाता है। दोस्तों, इस तरह के पत्र यहाँ सफाई कटिंग करके
गाड़ियों में लाद लाद के बाहर भेजा जाता है। देखिए एक दोस्तों यहाँ गैंगस्टर अंदर चल रही है और हम यहाँ पे आपका हूबहू मूर्ति बनाई जा सकती है। हाँ राइट। और दोस्तों इस गैंगस्टर की एक और एक खासियत है, वो जो इनके ओनर थे वो अभी हम इनसे मिले थे, उन्होंने ये बोला कि आप जिसका चित्र बोलोगे, जिसकी मूर्ति बोलोगे, उसकी कलाकृति, उसकी बनावट हम सेम टू सेम बना के दे देंगे। और पत्र में जो भी नकाशी चाहिए, जो भी आपको रेलिंग चाहिए और जो भी डिज़ाइन चाहिए, हम पत्र में निकाल के आपके घर की शोभा को बढ़ाने के लिए तत्पर रहे हैं। वो उनका नंबर और पूरा डिटेल मैं अभी उनकी ऑफिस ले जाऊँगा, वो बताऊँगा। आप देखिए पहले आपको अच्छे से मशीन की ओर लो चलते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कवर। ये देखिए दोस्तों इस तरह की सफाई होती है रेड स्टोन में, क्योंकि ये दोस्तों इसलिए फेमस है ये लाल बलुआ पत्र, क्योंकि दोस्तों हमारे धौलपुर का इतना प्रसिद्ध पत्र है ये, क्योंकि इसमें नकाशी और जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है और ये झज्जर नहीं होता ना टूटता है, इतना मजबूत होता है, काफ़ी सालों नहीं हजारों सालों तक ये जीवित रहता है, इसलिए फेमस है। जैसे कि बुलंद दरवाजा, हाँ बहुत ही, जैसे कि दोस्तों मुगल काल की जो इमारत है वो भी लाल बलुआ पत्र से। ये दोस्तों एक मशीन यहाँ बंद है, हम जो मशीन चल रही है कटिंग कर रही है उस वो ले चलते हैं उस तरफ। ये देखिए पूरा रेड स्टोन, रेड डायमंड सिटी दोस्तों, रेड डायमंड सिटी बोला जाता है हमारे शहर को इस पत्र की, लाल बलुआ पत्र की वजह से हम मौजूद हैं सरमथुरा तहसील में। दोस्तों सरमथुरा तहसील में हम जो अंडर में लगभग 15 किलोमीटर में खाने हैं, वहाँ से ही बड़े बड़े पत्र लाए जाते हैं ट्रकों के माध्यम से और यहाँ पे मशीनों के माध्यम से इसको कटिंग करके छोटा करके ट्रकों में लाद लाद के बड़े बड़े शहरों में सप्लाई किया जाता है। और हम ले चलते हैं एक मशीन दिखाने आपको, यहाँ पे पत्र की कटिंग चल रही है बहुत ही अच्छी आधुनिक तरीके से, और आवाज़ थोड़ी कम आएगी पर आप देखना किस तरह से कटिंग होती है बड़े बड़े पत्रों की। ये देखिए दोस्तों इस तरह से बड़े बड़े पत्रों को चट्टानों से क्रेन के साथ यहाँ लाया जाता है। जैसे ये देखिए आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों इस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों में यहाँ कटिंग की जाती है, बड़ी बड़ी विशाल मशीनों से यहाँ इनका कटिंग का काम हो रहा है। ये देखो पानी के साथ, ये देखिए किस तरह से कटिंग कर रही है और बहुत ही आधुनिक तरीके से मशीनें बहुत लगी हैं। ये देखिए किस तरह से कटिंग चल रही है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों मशीन का काफ़ी ज़्यादा शोर था इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। अब दोस्तों मैं डिजाइन और जो मूर्ति है, मूर्ति डिजाइन की बनती है, पत्र की डिजाइन का मतलब उस ओर ले चलता है, और रेलिंग वगैरह जो डिजाइन की बनती है उस ओर ले चलता हूँ, वो भी आधुनिक तकनीक की मशीन है जो अब बंद है, यहाँ मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह की मशीन होती है जो पत्र को अच्छी तरह से कटिंग देती हैं। ये देखिए दोस्तों एक मशीन ये, और हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ करंट भी हो सकता है। और ये देखिए इस तरह, और दोस्तों यहाँ देखो इस तरह की मशीन है, विशाल फैक्ट्री नुमा पूरा गैंगस्टर है ये, और सरमथुरा का बहुत ही प्रसिद्ध गैंगस्टर है। ये देखिए दोस्तों इस तरह की डिजाइन है। अमित हमें हम उस डिजाइन की तरफ ले चलेगा और उसके बारे में बोला। देखो दोस्तों घरों में जालियों के काम में आता है। हाँ जैसे कि ये डिजाइन है अभी थोड़ा अधूरा है। हाँ। अभी थोड़ा फिनिशिंग नहीं हुआ है। हाँ। ये और देखो और दोस्तों ये देखिए अभी ये कितनी अच्छी सफाई के लिए टेल्स को भी फेल कर रही है और बहुत ही मजबूत। और एक और इधर एक हाँ। दिखाता हूँ। हाँ। और ये देखिए दोस्तों इधर अधूरा गणेश जी का चित्र है। और दोस्तों इस तरह की डिजाइने निकलती है पत्रों में। ये देखिए अधूरा गणेश अभी अधूरा है। और दोस्तों ये देखिए ये रेलिंग्स का काम करती है जो धौलपुर रेड स्टोन राजस्थान की डिजाइन से जो अपने हाँ अपने घर को बनाते हैं ना उसमें लगा सकते हैं। ये देखो हाँ ये देखिए दोस्तों कुछ डिजाइन है ये, और आपको आगे ले चलते हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर कढ़ाई के साथ नकाशी देखिए। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर कलाकारती है यहाँ पे फूल पत्तियों की। ये देखिए और कितनी सुंदर फिनिशिंग देखिए आप, यही हमारे रेड स्टोन की पहचान, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ मार्बल को फेल करता है ये हमारा धौलपुर जिले का रेड स्टोन पत्थर।
इससे हमारी पहचान है, डाकुओं से नहीं है, दस्तियों से नहीं है, इससे हमारी पहचान है। मुगल काल हो चाहे प्राचीन काल हो चाहे मौर्य काल हो, हमारा धौलपुर जिला बहुत ही छोटा है पर रेड स्टोन पूरे विश्व में तक हमारे जिले से सप्लाई होता है। और जो भारत की मैगी बड़ी से बड़ी इमारत है वो हमारे रेड स्टोन लाल बलुआ पत्थर से ही उनका निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों आगे ले चलते हैं। और ये देखिए कुछ फर्श के लिए बनाई हुई टेलों की डिजाइन दिखाई। हाँ और ये देखो इस तरह के आप जब जो डील होता है ना, जो डील होता है ना दोस्तों, इस तरह की पैकिंग करके बड़े बड़े ट्रकों में लाद के भेज दिया जाता है। देखो दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पत्थर का काम होता है। ये देखिए ये फिनिशिंग देखिए आप, और कितनी मोटाई से और मजबूत पत्थर है ये देखिए। और थोड़ा आगे ले चलता हूँ और देखिए दोस्तों इस तरह की डिजाइन है, देखो कितनी अच्छी तरह से और सुंदर सुंदर पत्थर पूरा रेड स्टोन। ये देखिए दोस्तों और इस तरफ देखिए जो भी चाहो आप डिजाइन बना सकते हो ये होम डिलीवरी के लिए। ये देखिए दोस्तों फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग देख के मार्बल चिप्स भी भाई फीका पड़ रहा है। ये देखिए ग्रेनाइट की तरह ये शाइनिंग मारता हुआ। इधर देखिए ये छोटे छोटे पत्थरों में डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए दोस्तों और ये आई थिंक जो बालकनी होती है छज्जे होते हैं उनकी डिजाइन की तरह है। ये देखिए इसको आप मैं दिखा पाऊँ, ओह माय गॉड कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखो फिनिशिंग। हाँ और ये बड़ी ही मशीन में कार्य होता है, चारों तरफ ये रेड स्टोन और ऐसे बड़े बड़े ट्रकों में पत्थर को बड़े बड़े पत्थरों को लाद दिया जाता है और बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। दोस्तों हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितनी फिनिशिंग के साथ ये पत्थर है हमारा रेड स्टोन रेड डायमंड। इससे ही हमारे धौलपुर जिले की पहचान है। ये देखिए चारों तरफ फैलता हुआ हमारे जिले को फेमस करता हुआ ये रेड स्टोन ये रेड डायमंड सिटी। ये देखिए ये पूरी मशीन है। अब दोस्तों पीछे की तरफ और ले जाते हैं जहाँ पे कढ़ाई का कार्य भी किया जाता है। चलिए अब आपको मिलते हैं और जल्दी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी वीडियो रेड स्टोन सिटी के लिए लव यू सभी को। मिलते हैं अभी आगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरह का पत्र खानों से निकाल के यहाँ रख दिया जाता है। ये देखिए ये बड़ी बड़ी टांकी बड़े बड़े सुरंगों से निकाल दिया जाता है ये भारी भारी पत्र और क्रेन से और बड़े बड़े ट्रकों से लाद के यहाँ लाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है इस तरह का होता है। ये देखिए ये मशीनों से काट के ये बनाया जाता है। देखिए इस तरह का। इसके बाद दोस्तों फिर इस पत्र को इस तरह की फिनिशिंग दी जाती है। ये देखिए जिस तरह का आप देख पा रहे हो ये देखिए फिनिशिंग देखिए आप पूरे पत्र में। ये देखिए दोस्तों ये तीन स्टोन। इसके बाद फिर आप जो भी नक्काशी और कढ़ाई का कार्य करें इसके बाद इस पत्र पर कर सकते हैं, चाहे वो रेलिंग हो। और दोस्तों जो आप देखते हैं कि राजस्थान की डिजाइन में जो अपने घर में रेलिंग बनाई जाती है इसी गैंग सा में आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी रेलिंग वगैरह मंगवा सकते हो। मैं उनका नंबर और उनकी ऑफिस की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे किट बुक भी और पूरा अच्छी अच्छी टेल्स भी लगी हुई हैं उस ओर ले चलते हैं आपको। और ये भाई यहाँ पे गैंगसा में काफ़ी टाइम से यहाँ कार्य कर रहे हैं, ये हमें पत्र के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आगे। ठीक है अच्छा इनसे थोड़ा बात कर दें। भैया कितने टाइम से इस गैंगसा में काम कर रहे हो? मुझे लगभग 15 साल हो गए। ओके और लगभग ये गैंगसा कितनी पुरानी है? ये सर अपने आज जब पत्थर स्टार्ट हुआ जब से सबसे पुरानी गैंगसा ये अच्छा 30-35 साल हो गई है। ओके ऐसा बताते हैं इनके ओनर से थोड़ी मेरी बात हुई, वो बताते हैं लगभग 1985 से यहाँ कार्य तरक्की पे हुआ है। उनके दादा फिर उनके पिताजी फिर वो खुद के ओनर बन गए हैं। ये देखिए इस पर सबसे बड़ी सरमुत्रा की गैंगसा है। जो भी बड़े से बड़े अगर कोई भी बिल्डर हो और कोई दिलचस्पी मेरी वीडियो ले रहा हो तो उनके ओनर का और इस गैंगसा का मैं कॉन्टेक्ट नंबर अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका मेंशन कर दूंगा। तो गाइस ले चलते हैं आपको मैंने ऑफिस की ओर। चलिए इस तरह की बड़ी बड़ी क्रेनों से यहाँ उतारा जाता है ये पत्र। चलो दोस्तों अब उनकी ऑफिस में कैट बुक और वहाँ भी बहुत अच्छी कलाकृति बनी हुई है उनको दिखा दें। ये देखिए देखो ऑफिस की ओर आ गए और थोड़ी उनकी कैट बुक की डिजाइन है ना टेल्स की वो दिखा दें। आया दोस्तों ये देखिए जो ओनर है उनकी ऑफिस है और यहाँ देखिए सुंदर कैट बुक में ये sarmatrastone.com। ये देखिए इस तरह का आप पत्र। हाँ ये जो इनके यहाँ कर्मचारी वो हमें जानकारी देंगे।
ये अपना धौलपुर बीज है वाइट वाला, ये धौलपुर रेड है, ये अपना धौलपुर चॉकलेट है, ये अपना भर्रा माल है, भर्रा माल है, और ये क्या कैलुवेशन है, कैलुवेशन कैलुवेशन मशीन है ये वाली, ये अपना चॉकलेट का ये नेचुरल वाला है, ये सैंड ब्लास्ट पे पॉलिश की हुई है अपने माल की ये वाली, और ये अपना ऊपर लगा हुआ रेड पॉलिश है, ये रेड वाइट है ये वाला, और ये अपना सैंड ब्लास्ट है, ये अपना सब पत्थर है, ये डिजाइन अपने यहाँ का। और दोस्तों आप रेलिंग की डिजाइन देख सकते हो, हाँ ये डिजाइन भी है दोस्तों, देखो आपको पूरी हमने कैटवॉक दिखा दी इसकी पत्रों की, जो भी भाई संपर्क बड़े से बड़ा जो भी पत्र का व्यापारी हो या घर का घर बनाने में दे चल वो कांटेक्ट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन का गैंग्स आगा इनका कांटेक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। सो देखिए इस तरह की आप रेलिंग वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, ये देखिए इनकी बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है, मैं आपको ऑफिस की मैं रेलिंग दिखा दूंगा, ये देखिए सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है, ये देखिए सुंदर ऑफिस पूरा, और देखो जालियों दोस्तों जालियों में किस तरह से यहाँ काम किया गया है नक्काशी का वो भी दिखाते हो, ये भी रेड स्टोन पूरे पत्र में ये कार किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए जालियाँ बनाई गई हैं, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ इस गैंगसा की जो ऑनर है जो मालिक है उनकी ऑफिस में ले चलता हूँ, क्योंकि उनकी ऑफिस में भी कुछ कैटबुक है और उनसे बातचीत कराता हूँ, चलिए मिलता हूँ उनकी ऑफिस में। दोस्तों सरमुत्रा स्टोन डॉट कॉम के जो ऑनर हैं उनकी ऑफिस में ले चलते हैं, वहाँ भी बहुत ही सुंदर पत्र से पूरे रेड स्टोन से उनकी ऑफिस बनी है, ये देखिए चारों तरफ जाली और उनकी ऑफिस में दिखाते हैं किस तरह से कढ़ाई का कार्य और बहुत ही खूबसूरत ऑफिस बनाई है रेड स्टोन में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरा ही ऑफिस रेड स्टोन से हमारे लाल बलुआ पत्र से डिजाइन किया है, चाहे ऊपर की टेल्स हो चाहे साइड की टेल्स हो, और ये सुंदर एक कढ़ाई की टेल्स ये देखिए जिसमें राधा कृष्ण, और ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत डिजाइन बनाया है ये रेड स्टोन लाल बलुआ पत्र जो हमारा धौलपुर जिले की पहचान है इससे रेड स्टोन से, उस पर इसमें कलाकृति करी गई है, ये देखिए गणेश जी की कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है ये पूरा ही, और ये देखो की स्टैंड के ऊपर देख रहे हो आप चारों तरफ ऑफिस में रेड स्टोन लगा हुआ है। अब आपको आगे ले चलते हैं उनके जो मेन ओनर हैं उनको भी मिलवाते हैं, ये जो इसके सरमुत्रा स्टोन डॉट कॉम के मेन ओनर हैं ये देखिए ये हमें और जानकारी देंगे उनके जो रेड स्टोन की, ये देखो इनके जैसे ही आप पीछे देख पाओगे वो भी बहुत ही सुंदर कैटबुक में ये टेल्स लगी हुई है, देखिए ये हमारे लाल बलुआ पत्र से डिजाइन की गई है और चारों तरफ ये देखिए कितना सुंदर, और ऊपर भी ये लाल बलुआ पत्र से और पीछे भी ये देखिए, और उनसे जानकारी लेते हैं। और जो दोस्तों एक और नई बात बताऊँ, जो नया राष्ट्रपति भवन बनाया ना इसी गैंगसा से, इसी हमारे धौलपुर जिले की गैंगसा से पूरा डील किया हुआ पत्र है और उनके ओनर हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं और ये बताएंगे। नमस्कार सर, मैं सतीश गर्ग और सरमुत्रा स्टोन कंपनी का पार्टनर हूँ, और हमारा जो स्टोन है ये पुराने ज़माने से राजा महाराजाओं के ज़माने से यूज होता हुआ आया है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला है या अपना जो भी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स हैं पहले वो सारे हमारे धौलपुर सैंड स्टोन से ही बनी हुई है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे लाल किला हो या जो भी बनी हुई है ना वो सब इससे बनी हुई है। अभी लेटेस्ट में अभी जो हमारा न्यू पार्लियामेंट भवन बना है ये पूरा हमारे यहाँ से ही सप्लाइड किया हुआ सैंड स्टोन रेड और वाइट, और ये करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है मोदी जी का जो सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, और उसमें ही सारी है, पीएमओ भी है, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी है, अपना सेंट्रल सेक्रेटरीट भी है, सारे ऑफिसेज हैं, ये करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है, करीब 6 किलोमीटर का दिल्ली बन रहा है ये, इसमें पूरा के पूरा अपना धौलपुर सैंड स्टोन बन रहा है। इसकी मेन खासियत ये है कि ये इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, मेनली यूज फॉर एलिवेशन पर्पज, एलिवेशन का काम करते हैं इसको, तो इसमें कोई रंग का पुताई का या कोई झंझट नहीं रहता, ये काफ़ी समय तक 1000 साल इसकी लाइफ रहती है। तो अभी जो पार्लियामेंट बना है वो पूरा यहाँ से सप्लाइड किया हुआ है, और राष्ट्रपति भवन भी बनना है, प्रधानमंत्री ऑफिस बनना है, पीएमओ रेजिडेंस भी बनना है, ठीक है सर। और क्या कुछ लगभग ये कितने साल पुराना गैंग सा है आपका धौलपुर जिले का? ये मैंने फर्स्ट बीटेक करने के बाद में, मेरी सर्विस नहीं, मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक करने के बाद में 97 में
हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले जो पत्थर मैनुअली स्प्लिट नहीं होता था उसको माइंस को बंद कर दिया करते थे, वो वेस्ट हो जाते थे। तो जैसे किशनगढ़ या उधर हम जाते थे कभी कभी तो बीटेक को हम देखते थे कि वो आरा मशीनें लगी हुई हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना अपने एरिया में इसको डेवलप करें, जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज करें। तो फर्स्ट गेंद सर सरमथरा स्टोन कंपनी में हमने ही लगाई थी जो अपनी गेंद से लगी थी। उसके बाद में फिर जो मटेरियल जिसको अपन दाब दिया करते थे जिसको यूज़ नहीं होता था वो पूरा मटेरियल यूज़ होने लग गया इसमें। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा अपने को। ये सर 97 में हमने स्टार्ट किया था। ओके। बाकी सरमथरा स्टोन कंपनी जो हमारी फर्म है ये हमारे फादर ने सर 1959 से स्टार्ट किया था। ओके ओके ओके। जो भी आपसे कॉन्टैक्ट आपकी गेंद सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं एक बार अपना नंबर बोल दो। मेरा नंबर है 9829184345। हाँ, लगभग हमारे धौलपुर जिले से लगभग कितना किलोमीटर सीधा एनएच कितना आना पड़ेगा? बिल्कुल कनेक्टिविटी है। हाँ। अपना अपना मेनली दिल्ली से अगर आते हैं तो भाई नोएडा एक्सप्रेस से धौलपुर, धौलपुर से 60 किलोमीटर अपना सरमथरा कस्बा है यहाँ पे ये है। ओके। और जयपुर से 225 किलोमीटर पड़ता है, रोड बहुत अच्छा है, NH11B के नाम से हाईवे पर है अपना। सो दोस्तों ये थे sarmathrastone.com के ओनर। दोस्तों मुख्य मेन बात ये है रेड स्टोन की, क्योंकि इस पर नक्काशी और जो भी खड़ाई का कार्य है बहुत ही अच्छी कार्य किया जा सकता है और लॉन्ग लॉन्ग लाइफ है इस पत्र की, इसलिए पूरा रेड स्टोन हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। एक इस पत्थर की खासियत और है साहब कि ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होता। ओके। और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा नहीं होता। ओके ओके। ये इसका विशेष बेनिफिट है, ये जो अपना एटमोसफियर होता है उसके अगेंस्ट में इसकी जो नेचर है वो अगेंस्ट में रहती है। दोस्तों प्राचीन काल से ये कई मैंने पेज में पढ़ा है कि हमारा जो धौलपुर जिला है वो दस्तियों के लिए जाना जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रेड स्टोन सिटी हमारा डायमंड सिटी बोला जाता है। ये लाल बलुआ पत्र के लिए पीछे प्राचीन चाहे मुगल काल हो मौर्य काल, ये लाल बलुआ पत्र से जाना जाता है। ये दस्तु वगैरह से थे ये तो कल परसों की बात है। जो मुख्य मेन चीज है वो है रेड स्टोन सिटी, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लाल बलुआ पत्र हमारे विदेशों में भी पहचाना जाता है, पूरे विदेशों तक इसकी पहचान है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये था गैंगसा सरमथरा की बहुत ही फेमस गैंगसा थी जहाँ पे लाल बलुआ पत्र की कटिंग का और कलाकारती का कार्य किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जल्दी एक और नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय राजस्थान।